साथियों नमस्कार। आज मैं आपको जो हमारे विश्व में कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है उससे लड़ने के लिए हम आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे जिससे हमारा श्वसन तंत्र बहुत मजबूत होगा और हमारे अंदर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी जिससे हम कोरोना नामक महामारी से लड़ सकेंगे। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हमें नित्य करने चाहिए और हर बाल वृद्ध और नौजवान को शिक्षा लेनी चाहिए, प्राणायाम के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। तो मैं आपको दो तीन प्राणायाम आज बताने जा रहा हूं जो आपको इस आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। सबसे पहले आपको सुखासन पे बैठ जाना है, पलथी मार के जैसे भी आप अच्छे ढंग से बैठ सकें बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को सीधा करके इस तरीके से रख लें और गहरी श्वास अंदर की तरफ खींचे। कुछ समय श्वास अंदर रोकने के बाद उसको बाहर निकाल दें। इस क्रिया को कम से कम 21 बार करना है। जब हम 21 बार इस क्रिया को करेंगे तो हमारे फेफड़े के अंदर एक नई ऑक्सीजन और हम एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत होने लगेंगे। उसके बाद में हमको 21 बार करने के बाद हमको एक दूसरा प्राणायाम करना है जिससे हमारे अंदर के जितने भी पार्ट हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, जो भी पार्ट होते हैं वो सब चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनेंगे। तो उस प्राणायाम का नाम है, आप देखिए, उसका नाम है कपालभाति प्राणायाम, जिसको हम इस प्रकार करते हैं कि हल्के से श्वास को लेते हैं और धोकनी, जैसे लोहार की धोकनी चलती है उस तरीके से श्वास को बाहर निकालते हैं। आप लोग हमारे पेट की तरफ देखें, ये जो है इसको कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। इससे हमारे शरीर में जो भी विषाक्त तत्व इकट्ठे होते हैं वो हमारे जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में समर्थ होते हैं और ऐसा लगातार करने से हमारे शरीर में एक गर्मी बनती है। हमारे रोम छिद्रों के द्वारा वो पसीने के रूप में निकल जाता है सब बाहर। इसके बाद में हम आपको एक बहुत ही साधारण प्राणायाम बताने जा रहे हैं जिसको हमारे ऋषियों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया है और आधुनिक युग में उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि अपने दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास खींचना है और बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका से श्वास निकालना है। फिर इसी क्रिया को दाहिने नासिका को खोलकर उससे श्वास लेना है और दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को निकालना है। इससे ये लाभ मिलते हैं कि हमारे शरीर में जो भी निरंतर हमारा हार्ट काम करता है, जो हमारी नाड़ियों को रक्त प्रदान करता है, निरंतर रक्त का प्रवाह बना रहता है जहां पे, वहां पे जो भी विषाक्त तत्व हैं उनको बाहर निकालने में ये सक्षम है और नई ऑक्सीजन हमारे अंदर प्रवेश करती है। उससे क्या होता है कि हमारी हार्ट जैसी समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं, ये सभी दूर होती हैं और इससे फेफड़े सशक्त बनते हैं। फेफड़ों में जब पूर्ण रूप से अच्छा ऑक्सीजन पहुंचेगा तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे और फेफड़े जब स्वस्थ होंगे तो आज की इस भयानक महामारी कोरोना जो चल रहा है इससे हमें इतनी जल्दी नुकसान नहीं हो पाएगा। और साथियों, कोरोना नामक महामारी से बचाव ही सर्वोत्तम इलाज है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें, नित्य प्राणायाम करते रहें।